बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं मोहम्मद नुमान कयूम, तुसी देखदे पए हो गंधारा इनको टीवी। आज दी ताज़ा खबरां, वज़ीर आज़म दी ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना दा इजलास अज होसी, जिस विच मशीरे खजाना वफाकी काबीना नूं माली साल 2019-20 दे बजट ते ब्रीफिंग दे सन। तमाम वज़ारतां डिवीज़नां दी सरकारी इमलाक दे हवाले नाल तफसीलात वफाकी काबीना पेश कीते जा सन ते वफाकी काबीना दे हुण तक दे फैसलियां ते अमल दरामद दे हवाले नाल रिपोर्ट भी पेश कीती जा सी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी सऊदी अरब OIC इजलास शिरकत वास्ते रवाना हो गए हैं। वजीर खारजा ने रवाना होने से पहले मीडिया नाल गलकत करते हुए किया कि सरबरा इजलास वास्ते वजीर आजम भी तशरीफ लै जा सन। कौंसल ऑफ फॉरन मिनिस्टर इजलास सरबरा इजलास के एजेंडे हतमी शक्ल दी जा सी। इजलास मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल से तबादला ख्याल किया जा सी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने किया वे कि 28 मई पाकिस्तानी तारीख का नाकाबले फरामोश दिन है। इस दिन मुल्क का दिफा नाकाबले तस्खीर बढ़ा दिता गया आया। योम तकबीर के मौके पर मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ ने जेल सी पैगाम किया वे कि योम तकबीर कौम की बहादरी की अलामत का दिन है। उन्होंने किया वे कि पाकिस्तान के खिलाफ जारहीत का मुजाहरा करने वाली का अंजाम इबरतनाक हो सी। आवाम की बालादस्ती, वोट की इज्जत, मुल्क की सालमियत, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी से ना पहले कोई समझौता किया आया ना हूं कर सिया। गंधारा हिंको अकैडमी के जरिए तमाम हिंको उर्दू जुबान के नामवर शायर अदीब ते मुहक्किक प्रोफेसर हसाम हुर दे पहले हिंको नावल का दूसरा एडिशन बनाम हक अल्लाहू मंजरेआम से आ गया वे। इस नावल पिशोर की सकाफती जिंदगी का भरपूर अहाता किया गया वे ते नावल कहानी के नाल नाल खूबसूरत लबो लहजा ते हिंको का मुहावरा ते रोजमर्रा पढ़ने मिल जाए। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने वर्ल्ड कप में स्पिनर्स के किरदार को अहम करार दे दिया है। ICC की वैबसाइट में इंटरव्यू में मोहम्मद हफीज ने किया है कि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान पिचेस माजी से मुख्तलिफ नजर आ सन, उन्होंने मुताबकत हासिल करने वास्ते मेहनत की जरूरत है। हूँ देखने कि वर्ल्ड कप पिचेस का रवैया किस तरह रहा है। उन्होंने किया है कि क्रिकेट काफ़ी तब्दील हो गई है, मैच जितने वास्ते बालर का तसलसल के नाल विकेट हासिल करना जरूरी है। पाकिस्तानी अदाकारा ते मेज़बान नीलम मुनीर ने किया कि TV अदाकारावां ते अदाकारा ने पाकिस्तान की फिल्मी सनत नूं नवी जिंदगी दी है। उन्होंने किया कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री नाल फिल्मी सनत विच आने वाले टैलेंट की बदौलत हूँ लगे बदे मौजूआत सी हट के फिल्मा बनने लगियां हूँ। तीसरा पाकिस्तानी सिनेमा च एक नवी जहत मुतारिफ हुई है। नीलम मुनीर ने किया कि मनु भी पाकिस्तानी ड्रामे च अदाकारी की वजह नाल शोनाख मिली है, मॉडलिंग मेरी वजह शोहरत बनी है। उन्होंने किया कि हूँ मैं लालीवुड नाम बढ़ाने की ख्वाहिश मानदा। वाजिया रवे कि नीलम मुनीर इस साल निकी ते रिलीज होने वाली फिल्म राम नंबर 2 मरकजी किरदार अदा करती पई हैं। इस नाल ही अजी खबरां खत्म हुई, नवी खबरां नाल बात हाजिर हो सी। अल्लाह हाफिज। आओ मिल के हिंको की दुनिया की सैर करिए। असी हिंको जबान की तहकीक ते तरक्की ते काम करने हैं। तुसी साडे नाल मिल के हिंको की तरवीज च हाथ मंडाओ। कंधारा हिंको की वैबसाइट ते आप भी विजिट करो ते अपने दोस्तों यारा नू भी विजिट करवाओ। स्क्रीन ते दिते गए लिंक के जरिए वैबसाइट नू विजिट करो।